हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन का रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है आप लोग की रैंक पुश, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे नया सीजन आने में 23 के अराउंड डेज यहाँ पे बचे हुए हैं और उनके बाद में यहाँ पे नया सीजन प्लस यहाँ पे नया कॉन्कर का फ्रेम भी नए सीजन में आने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे कॉन्कर पुश करने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी इस सीजन में कॉन्कर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कॉन्कर अगर आप लोग का नहीं भी होता है तो आप लोग कम से कम यहाँ पे एस मास्टर यहाँ पे करके अपनी आईडी में छोड़ सकते हो, क्योंकि एस मास्टर करने से क्या होगा ना, अगले सीजन आप प्लेटिनम वन पे आओगे, जहाँ से 3 दिन या 4 दिन में फटाफट अगर आप लोग एस कर लोगे ना, तो वहाँ से आपको कॉन्कर मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी नए सीजन का फ्रेम लेने में। तो गाइस अभी देखो, ये वाले गेम की बात करें ना, इस वाले गेम में अपन ने यहाँ पे पूरी लॉबी को बुरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम में चिकन तो नहीं होता है, लेकिन इस वाले गेम में आप लोग को दिखेगी अच्छे से पोजीशन प्लस साथ में इतने बढ़िया किल, जो यार देखिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अभी के लिए उतरते हैं निम्बुस आइलैंड में, उतरते ही अपने यहाँ पे 2 बंदे भी ईजिली फ्री किल के रूप में मिल जाते हैं। अब यार इन दोनों को मार के मैं यहाँ पे होल्ड कर ही रहा होता हूँ और थोड़ा बहुत लूटपाट कर ही रहा होता हूँ, कि इतने मुझे थोड़ी देर में सामने की तरफ दिखता है कि एक और बंदा उसी जगह में यहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पर मैंने अभी सेकंड बंदा मारा था। तो यहाँ पे सिर्फ बंदे का हेड विजिबल था, तो बंदे की हेड ही हेड में यहाँ पे मार के बंदे को यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। और इसको मारने के बाद में मुझे अपने राइट कंपाउंड से अभी तक कोई भी साउंड नहीं आ रहा, तो मैं समझ जाता हूँ इधर साइड यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं पोर्टल बनाता हूँ ना, ये पोर्टल यहाँ पे कतई धोखा दे देता है। तो अभी अब यहाँ पे ओपन से ही जाने का एक ऑप्शन बचा था और लकीली मैं वहाँ से सक्सेसफुली उस तरफ पहुँच भी आता हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ ना, उसके बाद राइट साइड में जो बंदा था अपने पे यहाँ पे नेड वेट का यहाँ पे ट्राई करता है और अपने पे यहाँ पे पुश मारता है। तो देखो उस वाले बंदे से किस तरीके से अभी फाइट लेने वाले हैं अपन। तो अभी तक मुझे पता नहीं था इस बंदे के हाथ में शॉटगन है, और जैसे ही पता लगता है शॉटगन, तो मेरे को पता था इसके सामने से जाना तो बेवकूफ़ी होगी, तो मैं थोड़ा इसको सरप्राइज अटैक देने के लिए यहाँ पर से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर इजीली इस बंदे को प्री फायर के साथ में फिनिश कर लेते हैं। और इसको फिनिश करने के बाद में ना, लेफ्ट वाले कंपाउंड में भी एक और बंदा यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ था, तो इस बंदे पे डायरेक्ट पुश मारते हैं। बंदे को थोड़ा डराने के लिए मैं यहाँ पे नेट पुल करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बंदा भी नेट पुल कर देता है, लेकिन नेट पुल करने के चक्कर में सामने वाले बंदे को काफ़ी हद तक डैमेज पड़ चुका था, जिस वजह से ये बंदा यहाँ पे पैनिक हो जाता है और यहाँ पे इजीली फिनिश होता है। अभी के लिए मुझे लगा था कि लेफ्ट साइड मेरा राइट साइड यहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन राइट साइड में थोड़ा देर से मैं आगे को जाता हूँ ना, एक बंदा पोर्टल का यूज़ करके यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड में आ चुका था। तो देखो इस वाले बंदे से वापस से किस तरीके से अभी फाइट लेने वाले हैं हम अभी। तो कैसा लगा याला फिनिश, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और पसंद आया था जरूर से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना। और चलो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से। यहाँ पे अभी मुझे लगा था इवेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, अभी सिर्फ 3 बंदे यहाँ पे इवेंट पे अलाइव थे, और जैसे मैं सामने की तरफ जाता था तो मुझे दिखता है कि किसी बंदे ने यहाँ पे जिनी को बुलाया हुआ है। और जैसे यहाँ पे रात होती है ना, तो बंदा यहाँ पे क्या करता है, जिसने जिनी को बुलाया था तो रिकॉल उठाने यहाँ पे आया था। देखो उस वाले बंदे को तो यहाँ पे काफ़ी ईजिली यहाँ पे फिनिश कर देते हैं यहाँ पे अपन। अभी यार देखो बंदे को तो फिनिश कर लेता, बंदे को फिनिश करने के बाद में मैं यहाँ पे पोर्टल का यूज़ करके सामने की साइड जाता हूँ और वहाँ पर से रिकॉल उठा करके वापस इसी जगह पर आ जाता हूँ, क्योंकि जो है ना यहाँ पे कहाँ पे बंदा बैठा हो होल्ड करके कुछ भी आइडिया नहीं, और कहाँ से अपना ये गेम ख़राब कर दे इसका भी कोई आइडिया रहता नहीं। तो मैं तुरंत यहाँ पर रिकॉल उठाता हूँ और बेसिक थोड़ा बहुत जितना भी मेरे हाथ लूट आती है ना, मैं लेकर के तुरंत वहाँ पीछे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर होल्ड करके बैठे रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता था कोई ना कोई और बंदा जो बचा होगा वो यहाँ पर रिकॉल लेने की उम्मीद में जरूर सामने की तरफ जाने का ट्राई करेगा। और लकीली थोड़ी देर होता भी ऐसा ही है, एक बंदा यहाँ पर रिकॉल लेने सामने की तरफ जाता है और उस वाले बंदे को देखो किस तरीके से फिनिश करेंगे।
तो अभी के लिए देखो ये वाला एरिया यहाँ पे क्लियर हो चुका था, और क्लियर होने के बाद में काफी कम टाइम था जिसके बाद यहाँ पे ये एरिया समाप्त हो जाने वाला था निम्बू साइलेंट। तो उससे पहले मैं कहता हूँ ना यहाँ पे फटाफट जाके यहाँ पे MG3 यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैं उस MG3 को यहाँ पे उठा लेता हूँ और MG3 को उठाने तक का लोड कर ही जाता हूँ कि यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है। और मेरे को यहाँ पे नीचे की तरफ में जो कि प्रिजन रहता है ना, प्रिजन के पास में यहाँ पे ये ड्रॉप मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। मैं काफी देर होल्ड करने के करके यहाँ पे देखने का ट्राई कर रहा रहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद एक बॉट मिलता है जिसको मारने का तुरंत जैसे सामने की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या गलत लेवल पे स्कैम होने वाला है, क्योंकि यार मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है, लेकिन जैसे यहाँ जाता हूँ ना तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे दो बंदे गलत लेवल पे कैम करके बैठे थे। तो देखो दोनों को किस तरीके से गलत लेवल पे भरने वाले हैं अभी। तो गाइस कैसे लगे आप लोग को ये वाले फिनिशेज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और अगर पसंद आए तो ना वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर कंटेंट आप लोग को रेगुलर देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ इसी यार देखो अभी फाइनली अपना टॉप 100 के अंदर रैंकिंग में अपन आ चुके हैं, जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी देखो उसकी जगह पे यहाँ पे एरिया क्लियर करने के बाद में एक बंदा यहाँ पे दूर से M24 यहाँ पे अपने पे ट्राई कर रहा था, तो भाई थी उस वाले बंदे पे यहाँ पे पुश मार के फिनिश करने की। अभी यार मैं जैसे इस वाले बंदे को यहाँ पे फिनिश करता ना, जहाँ पे मैं पहले आया था जहाँ से वहाँ पे एक और बंदा यहाँ पे आ चुका था, तो यार मैं सोचता हूँ क्यों ना इस बंदे को पहले यहाँ पे टैप टैप करके फिनिश किया जाए, लेकिन यार वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली खेला था, तो बारी थी उस वाले बंदे पुश मारने की। लेकिन उस वाले बंदे को पुश मारने के बाद है ना जो गलत लेवल पे यहाँ पे मैं फंसता हूँ और उस वाले सिचुएशन में जैसे गेम को निकालता हूँ ना, वो देखोगे आप लोग को देख करके मज़ा ही आ जाने वाला है। तो इन्जॉय करो पहले इस वाले बंदे के साथ में फाइट। नो डाउट यहाँ पे बंदा अच्छा खेला था, नो डाउट बंदे ने यहाँ पे बहुत गलत लेवल पे हक दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, अपने को यहाँ पे सिर्फ गेम में किल निकलने से मतलब था। तो अच्छे खासे अपने इस वाले गेम में 13 किल हो चुके थे, और मेरे यहाँ पे किल की भूख अभी भी शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि यार देखो जितने ज़्यादा किल करूँगा उतने ज़्यादा प्लस मिलेगा, लेकिन मैं काफ़ी देर बंदे ढूंढने का जब नहीं मिलता तो एंड सर्कल में मैं यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में आके होल्ड कर रहा रहता हूँ, और यहाँ पर साथ किए बैक टू बैक रोटेशन। तो इन्जॉय करो पहले रोटेशन वाले स्प्रे। अब यार बंदे को यहाँ पे जाते आते काफी गंदे वाले हेड चिपका देते, और उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पे वापस से दो तीन रोटेशन और आते, देखो उन वाले बंदों को कैसे फिनिश करेंगे। तो यार देखो अभी इन दोनों को फिनिश करने के बाद में यहाँ पे अपने 16 किलो हो चुके थे, और यहाँ पे टॉप 12 के अंदर अपनी रैंकिंग आ चुकी थी, क्योंकि अपने को यार यहाँ पे कैसे भी करके टॉप 10 आना था, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से अब आराम से ही खेल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बंदे छोटे वाले सर्कल में ही बचे हुए थे, तो यार यहाँ पे का सर्वाइवल करना काफ़ी टफ होता। तो मैं क्या करता हूँ ना सामने की तरफ में चले जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था इस वाली जगह में अगर बंदे होंगे बिना तो मेरे हाथ में MG थी और मैं यहाँ पे फाइट निकाल लूँगा, लेकिन इस वाले कंपाउंड में जोन ही नहीं था, और जोन नहीं था तो मैं जैसे ही सामने की तरफ जोन के यहाँ पे ढूंढने के लिए निकलता हूँ ना, तो सामने की तरफ में मुझे यहाँ पे गाड़ लगी दिखती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस वाले बंदे से फाइट लेके यहाँ पे जोन लिया जाए, और जैसे सामने आता ना बंदा मुझे लेटा हुआ दिख भी आता है, और इस वाले बंदे को फिनिश करके मैं जैसे यहाँ पे जोन के यहाँ पे रुकने के ट्राई था ना, तो लगता है कि यहाँ पे पीछे की साइड कंपाउंड में बंदा हो सकता है, तो मैं पीछे की साइड यहाँ पे चेक करने के लिए आया हुआ था, और पीछे आके भी देखो मैं पूरा चेक करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले कंपाउंड में कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सामने पेटी वगैरह भी पड़ी हुई थी। अभी इस वाले कंपाउंड में कोई नहीं था, और सामने भी मुझे कोई फुट नहीं था, लेकिन जैसे अंदर जाता हूँ ना ये वाला बंदा इतना गलत लेवल पे कैम करके बैठा था, और निकल के अपने को यहाँ पे फिनिश कर लेता है। लेकिन कोई नहीं, चलो अपने यहाँ पे टॉप 8 में रैंक आ चुकी है, और अपने को यहाँ पे 21 का भी प्लस मिल जाता है। तो गाइस आई होप यार आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।